ठीक है मैं देख सॉरी लेके चलता हूँ बहुत लेट हो गया हेलो हेलो सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम आप जुनेद बात कर रहे हैं जी जी मैं जुनेद बात कर रहा हूँ जुनेद आपने एज ए डोनर हमारे साथ नाम लिखवाया था क्या मसला यार वो मैंने नाम लिखवाया था लेकिन यार वो तो बस ऐसे ही लिखवा दिया था आप तो बिल्कुल सीरियस हो गए यार ऐसी बात है यार कि मैं बहुत जरूरी है पेशेंट बहुत क्रिटिकल हालत में यार अल्लाह उसको सीरियस है यार लेकिन आप मुझसे क्यों फोन मांग रहे हैं मैं अपना फोन उसको दे दो यार अजीब बात कर रहे हैं यार वही इंसानियत की खातिर आप कितना तो कर ही सकते हैं यार आप ऐसे आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार मैं बीमार हो जाऊँ शायद यार आपको अजीब बात करो यार भाई आप तो माशाल्लाह सेहतमंद बन गए आपको अच्छा भाई किस तरह करें कि आप उनसे मिलने और बात कर लेते हैं फिर हम भाई मैं बहुत बहुत बीवी बस दो मिनट आपके पास आऊँगा आपके दो तीन मिनट में सही है सही और ज्यादा एक मिनट एक सेकंड ज्यादा नहीं होगा ठीक है आप इस तरह करें कि कॉम्प्लेक्स पेंटिंग सही है ठीक है मुझे बहुत फर्क पड़ता है यार अजीब बात पर पिछले दिनों मौलाना साहब ने बात की थी कि ये बिल्कुल हराम है नाजायज है हराम काम है कैसे कोई बताओ आप जी बात सुन रहे हो नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं कोई हराम नहीं है ये आप किसी की मदद करेंगे इस तरह आपकी भी कोई मदद करेगा आगे आपको भी आप समझ नहीं यार आप मेरे अंदर से ब्लड निकाल के किसी और को लगाओगे यार आपको कुछ नहीं होगा बीमार हो सकता हूँ यार आपको कुछ नहीं होगा किसी और की जान बचाएगी यार आप अजीब बन गए यार यार मैं बीमार हो गया तो फिर यार मैं कमजोर हो जाऊंगा यार मतलब ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता यार आप नजर लगा देंगे यार क्या करोगे यार जी बात कल मुझे आपने क्या कही थी बेटा तुमने तो पानी छोड़ दिया लगता है कमजोर होते जा रहे हो कमजोर होते जा रहे हो और आप है कि बिल्कुल मेरे पीछे पड़ गए हैं सर बात ऐसे है कि हम आपसे डायरेक्ट ब्लड नहीं लेंगे पहले हम आपके कॉपर टेस्ट वगैरह करेंगे आपके एचबी लेवल चेक करेंगे और हम मैंने खुद फोन किया मैं क्यों आपको मतलब यार आप जिस तरीके से आप मेरे पीछे पड़ गए रिफरल करते जा रहे हो मुझे लगता है आपको इसके पैसे मिलते हैं शायद बेचने का प्रोग्राम है मेरे ब्लड को यार फिर जरूर आप किसी इंटरनेशनल ने लिए आपको एजेंडा है कोई यहूदी साजिश मुझे लगती है आप तो मेरे ब्लड के पीछे पड़ गए यार बिल्कुल आप समझ ही नहीं रहे यार मुझे डर लगता है यार फोन देने से वो ऐसी वो इंजेक्शन लगाते हैं और वगैरह वगैरह यार कुछ नहीं होगा हम आपके साथ हैं और अगर आप में कोई कमजोरी है तो हम हैं ना हम आपको ब्लड प्रोवाइड करेंगे लेकिन अभी किसी यार कल ही मेरे फ्रेंड आए थे यार वो गाँव से आए थे उन्होंने मुझे बहुत डराया कि ये सेहत पे बहुत बुरे असर करते हैं और ये वगैरह वगैरह ऐसे कोई बात नहीं अगर मैं कमजोर हो गया तो कुछ नहीं अगर एक ग्राम कमजोर हो गया ना तो फिर आप खैर नहीं है बता रहा अच्छा यार सही कह रहे हो मतलब मुझे कुछ नहीं होगा पक्की बात हमने छोटा सा स्पीच तैयार किया था ये सोसाइटी हमारे सोसाइटी का छोटा सा अक्स है कि किस तरह हमारे ब्लड एक्टिविस्ट को जो इंसानियत के लिए काम करते हैं उनको मुआशरे में इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ता है तो इसके लिए हमें उनको अवेयरनेस देनी है और इंशाल्लाह ये अवेयरनेस एक या दो बंदों का काम नहीं है ये सब हमने मिलकर करते हैं एज अ कम्युनिटी एज अ ग्रुप टीम वर्क के साथ इंशाल्लाह आप लोग रेडी हैं ना इंशाल्लाह